भोजपुरी मूवीज की शूटिंग हो चुकी है। वहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है जैसे यम द्वितीया का मेला कहते हैं, पर हम लोग हमें करवे नहीं किया आज तक। नहीं हम किए हैं। अच्छा तुम्हारा हमें हो गया ना। अबे हाँ सियाराम का कपड़ा पड़ाया था तो हम ये 10 रुपए का है, 10 का 1 है और 20 का 2 है। एक को जरूर कम का देखते पे पक्कालू स्वीट हाउस मैकालू टिक्की याद आ गया था मुझे मैकडॉनल्ड्स का। हार्दिक स्वागत है। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल घुमक्कड़ प्रयागी पे। मैं सौरभ और घर से गाड़ी उठाए निकल पड़ा अपने अगले ट्रिप को, अगले सफर को शुरू करने। और जी हाँ, आपने सही गेस किया, सोबतियाबाद के रास्तों से होता हुआ फिलहाल मैं जा रहा हूँ चुंगी, बिकॉज सफर अकेले नहीं कटता। अपने एक परम मित्र को उठाते हैं जिसका नाम है मृदुल, उसे कॉल करते हैं फिर आगे बातें करते हैं। हेलो, हाँ मृदुल, हम कह रहे हैं चुंगी पे आ जाओ, चुंगी पे भूत। अबे थोड़ा सा वहां चलो यार, हमें चेंज करना है। क्या चेंज करना है? चलो चलो चलो। फ्रेंड्स कैसे आप सब, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं घुमक्कड़ प्रयागी और हमारे साथ मौजूद है हमारा फ्रेंड मृदुल। और इस बार प्रकाश नहीं जा रहा है बिकॉज प्रकाश के एग्जाम्स वगैरह हैं तो थोड़ा सा बिजी है और दिवाली टाइम है, आप जान ही रहे समझ रहे हैं, हम ही थोड़े से खाली वाले हैं। तो हमारा प्लान वैसे बना था जाने का मनगढ़, बट मनगढ़ मंदिर इस समय बंद चल रहा है, सो हम लोग मनगढ़ ना जाके जा रहे हैं भीटा। और भीटा आपका प्रयागराज से महज 22 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। और बाकी आपको उस जगह पहुँच के दिखाते हैं कि कैसी जगह है, कैसा क्या है, सारी चीज़ें वहाँ पहुँच के बताते हैं। और चलते हैं अपने इस ब्लॉग को, अपने ट्रिप को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ब्लॉग का जो सरप्राइज पार्ट क्या है, और ये हमारा मोटो ब्लॉग सेटअप हो चुका है रेडी और मोटो ब्लॉगिंग के जरिए आप सारा रूट सारी चीजें आपको दिखाने वाले हैं, सो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और हमारा पहला मोटो ब्लॉग वीडियो है, सो मृदुल देखिएगा, चलते हैं। तो जैसा कि आपने सुना वैसे हमारा प्लान तो बना था जाने का मनगढ़, लेकिन मंदिर यार अभी तक लॉकडाउन के बाद से एक बार भी ओपन नहीं हुआ, सो हमारा मनगढ़ का प्लान फिलहाल के लिए पोस्टपोन होता है। आगे जब भी मंदिर खुलेगा तो उसकी वीडियो मैं सबसे पहले लाऊंगा, इसका प्रॉमिस है। और मेरा भी बड़ा जाने का मन है बिकॉज कई बार गया लेकिन आज तक व्लॉग शूट ही नहीं किया वहाँ पे। मेरा भाई, मेरी यार, मेरी जो, हम लोग का साला ग्रीन लाइट रहता है ना, तो इन लोग काहे घुसेड़ रहे हैं। तो फिलहाल चलते हैं भीटा, आपको भीटा के रास्ते दिखाता हूँ। पहले आपको न्यू यमुना ब्रिज क्रॉस कर लेना है, न्यू यमुना ब्रिज जो कि अब नो सेल्फी जोन नो पार्किंग जोन बन चुका है। तो यह न्यू यमुना ब्रिज क्रॉस करना, चौराहे से नाक की सीध पे निकल जाना, जो रीवा वाला रूट है आपका, गुंजन ढाबा वाला भैया, हाँ तो निकल जाना वहाँ से। और भैया यार मैं NRL में पेट्रोल भराना भूल गया, तो सबसे पहले मैं पेट्रोल भरा देता हूँ, पेट्रोल NRL में ही सबसे बढ़िया देता है, तो पेट्रोल NRL पे ही भराया करो। भैया 210 का डालो, कैसी फोटो पुराना बाबा का ढाबा, अबे ये वही वाला बाबा का ढाबा तो नहीं है। तो गाड़ी में पेट्रोल डलवा लिया हम लोगों ने 210 का, जो काफ़ी है आपका 22 किलोमीटर जाने और आने के लिए। 210 का पेट्रोल तो बहुत ज़्यादा है, आपका 100 के पेट्रोल में आराम से काम चल जाएगा। खैर अभी हम लोग खोरपुर से 3 किलोमीटर पहले हैं और यहाँ से डिस्टेंस आपको बता रहा है भीटा का 9 किलोमीटर, तो चलते हैं भीटा की तरफ। अरे मेरे दोस्त का कॉल आ गया, रुको बात करता हूँ, ये भी ब्लॉगर है। करण का कॉल आ रहा है। हाँ करण, अरे मनगढ़ जा रहे थे लेकिन मंदिर बंद है तो अभी भीटा निकल रहे हैं। तो मेरे सामने आप देख रहे हैं बहुत सारे रसगुल्ले की शॉप्स है, इस जगह का नाम वैसे है इरादतगंज। तो वापसी में हम लोग इस जगह रसगुल्ला ट्राई करेंगे और आपको बताएंगे कि रसगुल्ला कैसा है। फिलहाल अभी चलते हैं भीटा जो कि बहुत ही नज़दीक है यार, हम लोगों ने सफ़र शुरू भी नहीं किया और हम लोग इस जगह पे पहुंचने वाले हैं। बहुत ही अंडररेटेड जगह है और ज़्यादातर लोगों को इस जगह के बारे में पता नहीं है। और ये देखिए कितना प्यारा साइकिल चला रहा है, वाह
बहुत ही प्यारा साइकिल चलाते हुए। चाचा ये भीटा जाए के रास्ता किधर है? भीटा जाए के भीटा नहीं मालूम, आगे से चलो इनसे पूछी थी भाई, ये भीटा जाए के रास्ता किधर है? हाँ तो आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूंगा कि हम लोग तो मारे जोश के थोड़ा सा आगे निकल गए थे, तो यू टर्न लेके वापस आए हैं और भैया ने हमें बताया कि बाएं हमें मुड़ना है, तो बाएं हमें मुड़ना है, हम लोग थोड़ा सा आगे निकल गए थे। आप लोग अगर प्रयागराज की तरफ से जा रहे हो तो आपको राइट ही टर्न लेना है घुरपुर चौराहे से। ये आपका घुरपुर चौराहा था और यहाँ से हम लोगों ने टर्न ले लिया है और बस हम यहाँ से 2 किलोमीटर सीधे रास्ता है आपका भीटा का, सो चलते हैं। ये क्रॉसिंग है यहाँ पे, अरे डेंजरस क्या रहता है, जब क्रॉसिंग बंद रहे तो मत जाओ। शानदार रास्ते शुरू हो चुके हैं और पेड़ पौधे आप देख सकते हैं। चाचा और बाय द वे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी जगह पे ओमकारा मूवी की शूटिंग हुई थी, आगे मैं आपको वो लोकेशन दिखाऊंगा और बहुत सारी भोजपुरी मूवीज की भी शूटिंग हुई थी इसी जगह पे। और चलते हैं आपको दिखाते हैं, बहुत ही प्यारी जगह है प्रयागराज के नियरेस्ट प्लेसेस में, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेसेस इन प्रयागराज नियर बाय। अगर आप नहीं आए तो आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए और आपको दिखाते हैं बाकी ब्लॉग में आगे क्या है। और ये घोरपुर विद्युत केंद्र है। अरे तो भैया जो है हम थोड़ा सा पहुंच गए अपना घोरपुर चौराहे से 2 किलोमीटर आगे आए हो तुम, और ये जो उन्हें नज़ारा दिखी सर तुमका आपको नज़ारा जो दिखा है बाएं हाथ पे, और ये आपका एंट्रेंस है सुजावन देव मंदिर का। तो बस पहुंच गए और सुजावन देव मंदिर है वहाँ पे, यमुना जी का शानदार नज़ारा वहाँ से आपको देखने को मिलेगा, सारी चीज़ें वो देखिए, मंदिर वो देखिए। पहले चलते उस मंदिर पे। दादा ये मंदिर में जाएगा रास्ता कहाँ हुए वाला, यही बात रास्ता ठीक बा, चलो ही चले। आगे जाना था क्या? इधर से नहीं था, उधर से था। बाइक बाइक उधर तक जा रही है भाई, मंदिर तक। वाह बीटा आ रहा हूँ मैं, बीटा आ रहा हूँ थर्ड टाइम। और मृदुल तुम कितने बार आ चुके हो? सो दिस इज हिज फर्स्ट विजिट इन बीटा, और लास्ट टाइम मैं आया था तो यहाँ पे बारिश का टाइम था ना, तो बहुत कीचड़ था, तो जाने का मतलब रास्ता बहुत ख़राब था, जा तो सकते थे लेकिन पानी भी भरा हुआ था बीच में, इट वॉज टफ। लेकिन आज रास्ता ठीक है, उतना ख़राब नहीं है, इतने रास्ते ख़राब ना हो तो बेकार है क्या भी। हमारे जायरो सेंसर की आज अच्छे से टेस्ट हो जाएगा। बैठे रहो, उतरो उतरो, घाट है ना। तो मेरे सामने आप जो टेंपल देख रहे हैं वो है सुजावन महादेव मंदिर, और इसी जगह पे ओमकारा मूवी की शूटिंग हुई थी। और अगर आपने ओमकारा मूवी देखी है तो उस मूवी में इस मंदिर के बहुत सारे सीन हैं, और इस पूरे गांव में ही शूटिंग हुई थी ओमकारा मूवी की, और बहुत सारे भोजपुरी मूवीज़ की शूटिंग हो चुकी है। तो इस जगह की मान्यता ये है कि भगवान श्री राम जब श्रृंगवेरपुर से यहाँ पर आए थे और यहाँ से होते हुए जब वो चित्रकूट गए थे तो इस जगह पे उन्होंने विश्राम किया था। और भैया दूज पे यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है जिसे यम द्वितीय का मेला कहते हैं, और मंदिर में पहली बार आ रहा हूँ, इस जगह में तीसरी बार आ रहा हूँ, लेकिन इस मंदिर में मेरा जाना पहली बार हो रहा है। और बारिश में इस मंदिर के चारों तरफ यमुना नदी, चारों तरफ यमुना नदी ही होती है और बीच में ये मंदिर होता है। तो चलते हैं मंदिर के अंदर, मंदिर दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। और हम लोग पहुंच गए सुजावन महादेव मंदिर, और चारों तरफ आप नज़ारे देख सकते हैं यमुना नदी के। हम लोग ने अपनी गाड़ी यहीं पार्क कर दी है और उस रास्ते से होकर आए, फाइनली हम लोग पहुंच गए सुजावन महादेव मंदिर। और चलते हैं मंदिर के अंदर, आपको दिखाते हैं कैसा है, मतलब मंदिर के अंदर मैं पहली बार जा रहा हूँ और ये मेरा तीसरी बार है भीटा में, और भाई का पहली बार है। चारों तरफ शानदार यमुना नदी के नज़ारे, और चलते हैं मंदिर के अंदर। Yeah.
तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर के अंदर और मेरे सामने आप जो शिवलिंग देख रहे हैं ये बहुत ही प्राचीन शिवलिंग है। तो अभी हम लोग इस समय खड़े हैं सजावन महादेव मंदिर में और शानदार नजारा है चारों तरफ यमुना नदी का और काफी अच्छा वाइब है, सुकून है, शांति है। आप यहाँ पे आ सकते हैं। और मृदुल भाई कैसा लगा यहाँ पे आके? बहुत अच्छा। मैं वैसे यहाँ पे थर्ड टाइम आ रहा हूँ लेकिन मंदिर में पहली बार आया हूँ, बिकॉज लास्ट टाइम जब आया था तो बारिश का टाइम था, कीचड़ वगैरह था रास्ते में, सो आने का रास्ता उतना अच्छा नहीं था, बट इस टाइम रास्ता ठीक था। और यहाँ पे यम द्वितीय का मेला लगता है जो परसों लगने वाला है, आज है 12 तारीख तो परसों तो दिवाली है और उसी दिन यहाँ पे यम द्वितीय का मेला भी लगेगा शायद ना, परसों लगेगा ना यम द्वितीय का मेला और परसों दिवाली भी तो है। तो यहाँ दिवाली में कुछ होता है? दिवाली में कुछ होता है यहाँ पे? हाँ मेला लगता है यहाँ पे। सो दिवाली के दिन यहाँ पे मेला लगता है और भीड़ हर साल की तुलना में इस साल बहुत कम है। क्या बेटा? तो भीड़ बहुत कम है और ये नौका विहार भी आप कर सकते हैं, हमारे छोटे भाई हैं नौका विहार, आप इनसे जब भी आए संपर्क कर सकते हैं। क्या चार्ज है तुम्हारा नौका का, नाव का? 20 रुपए। तो जगह काफ़ी लाजवाब है, आप सब आ सकते हैं, यहाँ की वाइब एंजॉय कर सकते हैं और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी ये जगह। वैसे काफ़ी लोग आ चुके होंगे और काफ़ी लोग को पता भी होगी, मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आया था 2013 में, सेकेंड टाइम अभी 2020 में ही आया था, उस पर मैंने व्लॉग भी बनाया था, बट उस टाइम मैंने व्लॉग जैसे स्टार्ट ही किया था तो बस ऐसे नॉर्मल डॉक्यूमेंट्री टाइप का बनाया था। तो हम लोग के मित्र मिल गए हैं जो कि यहाँ के लोकल हैं। हेलो, और आप सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं देना चाहते हैं। हैप्पी धनतेरस सभी को, धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और भाई का नाम है वैभव और इनका नाम है विवेक, हमारे कॉलेज के फ्रेंड हैं और बहुत दिनों बाद मिलना हो रहा है। और तो 2017 पहले नहीं, बीच में मिले थे मृदुल भाई से, तो मिलते जब एमए कर रहे थे। अच्छा हाँ, मृदुल भाई एमए करके छोड़ दिन पर हम लोग एमए करवे नहीं किया। नहीं हम किए। अच्छा तुम्हारा एमए हो गया बढ़िया, तो चलते हैं अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या सारी चीजें हैं। तो अभी चल रहे हैं मंदिर के सामने, एक टीला है, उस टीले पे एक छोटा सा टेंपल भी है और वहाँ से इस मंदिर का आपको व्यू दिखाते हैं जो कि बहुत ही लाजवाब है। और चलते हैं टीले पे और आपको व्यू दिखाते हैं बिना किसी। और ये सामने वाले टीले पे आपको, सामने वाले टीले से नज़ारा दिखाते हैं मंदिर का जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार आने वाला है। तो अगर आप आते हैं सुजावन महादेव मंदिर भीटा तो मंदिर का जो सबसे बेस्ट व्यू मिलेगा आपको इस टीले से मिलेगा और यहां से मंदिर का जो व्यू आ रहा है शानदार आ रहा है, आपको दिखाते हैं। और विवेक भाई कुछ इस जगह के बारे में बोलना चाहोगे कि मतलब कैसी जगह है? तो बहुत खूबसूरत जगह है, पर जिस हिसाब से और जगहों पर गवर्नमेंट इतना ध्यान देती है, टूरिज्म स्पॉट बनाती है, तो यहाँ पर वो सब चीज़ें फैसिलिटी नहीं है, लोग ही यहाँ के हैं जो वो मैनेज करते हैं खुद, यहाँ का मेला भी लोग खुद ही मैनेज करते हैं। तो रोड वोड तो काफ़ी डेवलप हो गई हैं लेकिन वही है कि अभी टूरिज्म स्पॉट एक जैसे चाहते थे लोग कि यहाँ पे बन जाए, तो ये होगा काफ़ी अंडररेटेड जगह है लेकिन बहुत खूबसूरत है और गवर्नमेंट को इस जगह ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ पर टूरिज्म को प्रमोट करने की ज़रूरत है। और आपको व्यू दिखाते हैं पीछे। Thank you.
ना गिर ना जाए बस। और शानदार व्यू है, आप सभी जरूर आइए, 22 किलोमीटर प्रयागराज से ज्यादा दूर नहीं है, आइए अपना घूमते घामते बढ़िया पहुंच जाइए भावकाल में एकदम। अब इसकी बैटरी हो गई लो, इसको चार्ज कर लेते हैं। अबे हाँ सिया राम का कपड़ा पड़ाया था तो हम नहीं, सही है, सही है। हम गरीबों का यही है। क्या और ये पावर बैंक है, नहीं, और ये जो कैमरा है इसका डाटा केबल एक लगाए ली थी चार्जिंग के, और फर्स्ट क्लास व्यवस्था काहे की हिले हुए तो टूटे टाटे का नहीं क्या। चलो अभी इस कैमरे को ऑफ करते हैं। और तो उम्मीद है आपको बीटा प्लेस बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, वो तो आप एक्सपीरियंस वहाँ जाके ही कर सकते हैं। फिलहाल हम लोगों ने बीटा अच्छे से विज़िट कर लिया और आपको भी विज़िट करवा लिया, और अब चलते हैं जो आपको स्टार्टिंग में हमने बताया था रसगुल्ला खाने, जो कि वहाँ बगल में इरादतगंज एक जगह है, वहाँ का बड़ा फेमस है। तो चलते हैं रसगुल्ला खाते हैं और आपको भी बताते हैं कि कैसा है। वाला कौन सा है, 10 वाला कौन सा है? अच्छा कौन सा, ये वाला 5 का है? अच्छा तो सुनिए दे दीजिए 10 वाला, 10 वाला दो 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 जगह। तो ये जो रसगुल्ला है ये 10 रुपए का है, 10 का एक है और 20 का दो है। तो अगर बाबा तुम असल इलाहाबादी हो तो तुम रसगुल्ले को जरूर कंपैरिजन करोगे देहाती से, तो देहाती रसगुल्ला यार अब देहाती रसगुल्ला है, उसके आगे ये कुछ नहीं है। बट ऐसी जगह पे आप भीटा के आसपास हो तो आप इस जगह का रसगुल्ला ट्राई कर सकते हो। साइज़ नॉर्मल है, बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और गर्म रहता है रसगुल्ला, टेस्ट भी अच्छा है, ख़राब नहीं है। बट अब देहाती रसगुल्ला, देहाती रसगुल्ला है भैया, उससे कोई कंपैरिजन नहीं। तो रसगुल्ला आप ट्राई कर सकते हो 9 out of 10। और भैया ने बताया कि बहुत ही अच्छी समोसे की दुकान है आगे, तो वहीं चलते हैं समोसा खाते हैं, बिकॉज बिना समोसा छोला के तो सफ़र पूरा नहीं होने वाला। और रसगुल्ला हम लोगों ने खा लिया है, काफ़ी अच्छा रसगुल्ला था। और यहाँ पे आपको छोटा रसगुल्ला 5 रुपये का मिलेगा, बड़ा रसगुल्ला थोड़ा सा है वो 10 रुपये का मिलेगा। लेकिन देहाती रसगुल्ले का जो साइज़ होता है ना वो इसके मतलब वो उसके आगे ये कुछ नहीं। यही है। जो मकालू स्वीट हाउस को जानते हैं, यहाँ का समोसा चाय कुछ भी ट्राई कर चुके हैं, प्लीज कमेंट डाउन बेलो। भाई समोसा छोला है, समोसा छोला भैया, समोसा छोला कैसे खिला रहे हैं? 20 रुपए प्लेट, दो प्लेट दे दी। हाँ यहीं बैठो, यहीं बैठो। का देख रहा है बे, का देखत बे वाह जल लो गए। तो खा के बताते हैं छोला समोसा कैसा है। खाते हैं फिर बताते हैं कैसा है। तो मकालू स्वीट हाउस आपका इरादतगंज में ही है, और जैसे ही मैंने छोला समोसा का पहला बाइट लिया मुझे पता चल गया कि ये दुकान बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे। तो जो यहाँ के लोकल्स हैं वो इस दुकान को, इस जगह को अच्छे से जानते होंगे, वहाँ पर भीड़ को देख के मैं समझ गया था कि काफ़ी फेमस जगह है। और यहाँ का जो छोला समोसा था वो लाजवाब था, चाय भी लाजवाब थी जो अभी हम लोग पियेंगे। लेकिन फ़िलहाल छोला समोसा मैंने खाया और एक नंबर था, आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, ना ज़्यादा मसाला ना ज़्यादा कुछ, एक नंबर एक नंबर। एक प्लेट और ऑर्डर किया क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी है और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, एक प्लेट और खाता।
सफ़र हो और चाय ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हैविंग कुल्लड़ वाली टी, मक्कालू स्वीट हाउस, मक्कालू टिक्की याद आ गया भाई मुझे मैकडोनल्ड्स का, मक्कालू स्वीट हाउस एट इरादतगंज, एंड दिस इज माय एसजे कैंप। समोसा खाया, दो चाय पी, जिसका टोटल कॉस्ट आया अराउंड 72 रुपये। 6 रुपये की शानदार चाय और छोला समोसा यहाँ का आप जरूर आके खाइए। सो चलते हैं प्रयागराज। संगम नगरी प्रयाग आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं अपने शहर इलाहाबाद वापस, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल सब्सक्राइब कर, अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करना, अपने स्टोरी पे लगाना, और हर जगह शेयर करके वीडियो को वायरल कर दो, फैला दो। एंड थैंक यू सो मच एंड हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी धनतेरस इन एडवांस। हैप्पी दिवाली, वैसे जब तक ये वीडियो अपलोड होगा तब तक दिवाली ही होगी, सो हैप्पी दिवाली। बाय बाय।